बसमिल वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सो लेट्स गेट स्टार्टेड मेरी बात लिख लो मार्क माई वर्ड्स मार्क माई वर्ड्स जली चीज़ों से बचो वेयर ऑफ वेयर ऑफ़ इमिटेशंस कहते हैं नकली या जहली चीज़ों को जल्द मिलते हैं सी यू सोन सी यू सोन सोन कहते हैं जल्दी को मुझे सब कुछ बताओ टेल मी एवरी थिंग टेल मी एवरी थिंग एवरी थिंग यानी सब कुछ तुम तो मुझे पागल कर दोगे यू विल मेक मी मैड यू विल मेक मी मैड झगड़े का फैसला हो गया है द क्वारल इज सेटल्ड द क्वारल इज सेटल्ड क्वारल मीन झगड़ा अजीब इतफाक है सच स्ट्रेंज को इंसीडेंस सच अस्ट्रेंज को इंसीडेंस स्ट्रेंज मीन अजीब और को इंसीडेंस का मीनिंग है इतफाक ये आपकी गलत फहमी है इट्स योर मिसकॉन्सैप्शन इट्स योर मिसकॉन्सैप्शन मिसकॉन्न का मीनिंग होता है गलत फहमी वो बहुत बातूनी है ही इज वेरी टाकटिव ही इज़ वेरी टाकटिव टाकटिव का मतलब होता है बातूनी जिल्लत की जिंदगी से मौत बेहतर है डेथ इज बेटर देन लाइफ ऑफ ह्यूमिलिएशन डैथ इज़ better than लाइफ ऑफ humiliation. ह्यूमिलिएशन का मतलब है शर्मिंदगी या जिल्लत। मुझे मुख्तसर सा जवाब दो गिव मी laconic रिप्लाई गिव मी अ लेकॉनिक रिप्लाई लेकॉनिक का मतलब होता है मख्तसर और जामे उसे जाने दो भाई लेट इट गो ब्रदर लेट इट गो ब्रदर ताना मारने की ज़रूरत नहीं नो नीड टू टॉन्ट नो नीड टू टॉन्ट टॉन्ट का मतलब होता है ताना मारना दोबारा कभी ऐसा ना करना नेवर डू दिस अगेन नेवर डू दिस अगेन क्या मैं इसे रख सकता हूँ कैन आई कीप इट कैन आई कीप इट ये बहुत ज्यादा है इट्स टू मच इट्स टू मच गौर से देखें वॉच केयरफुली वॉच केयरफुली सब कुछ बिखरा पड़ा है एवरी थिंग इज मवरी थिंग इज मेस्ड अप मज़्ड का मतलब होता है ख़राब होना बिखरा पड़ होना या गुड मड होना हमारे दरमियान मत आओ डोंट कम इन बिटवीन अस डोंट कम इन बिटवीन अस वो मेरा दूर का रिश्तेदार है ही इज़ माई फार ऑफ रेलेटिव ही इज़ माई फार ऑफ रेलेटिव मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ आई एम फीलिंग लोनली आई एम फीलिंग लोनली लोनली का मतलब होता है तनह या अकेला ये किसी काम का नहीं इट्स ऑफ नो यूज इट्स ऑफ नो यूज तलाश जारी रखें कीप सर्चिंग कीप सर्चिंग मौत का नाम ना लो नेवर ने डाई नेवर से डाई मैं बिल्कुल साफ बात बोलता हूँ आई कॉल अस्पेड अस्पेड आई कॉल अस्पेड अस्पेड ये एक प्रोवर्बियल सेंग है वो सिर्फ कुर्बानी का बकरा है ही इज़ अ स्केप गोट ही इज़ अ स्केप गोट स्केप गोट कहते हैं कुरबानी का बकरा और इसे सेक्रिफिशियल लेम्प भी कहा जाता है झूठ की इंतहा नहीं वन लाई लीड्स टू अनादर वन लाई लीड्स टू अनदर मैं खेला करता था आई यूज टू प्ले आई यूज टू प्ले यहाँ यूज टू का मतलब होता है करता था फॉर एग्जाम्पल आई यूज़ टू रन मैं दौड़ा करता था मेरा यकीन करो बिलीव मी बिलीव मी हिम्मत मत हारो नेवर गिव अप नेवर गिव अप गिव अप का मतलब होता तो है छोड़ देना या हिम्मत हार बैठना सब्र करो हैव पेशेंस हैव पेशेंस पेशेंस का मीनिंग है सब्र कुछ ख़ास है एनी थिंग स्पेशल एनी थिंग स्पेशल मुझे दो गिव मी गिव मी व्हाट हैपेंड क्या हुआ व्हाट हैपेंड happened? Happened का मतलब होता है किसी वाक्य का रोनमा होना इसे चखो टेस्ट इट टेस्ट इट ध्यान से बी केयरफुल बी केयरफुल और कुछ एनीथिंग एल्स एनीथिंग एल्स इसे पकड़ो होल्ड इट होल्ड इट मेरी तरफ देखो लुक एट मी लुक एट मी नीचे आओ कम डाउन स्टेयर्स कम डाउन स्टेयर्स ये आज के लेसन का आखिरी सेंटेंस था आई होप कि आपको लेसन पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक जरूर दिया करें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़ असल वरहमल वर्कू